आवाज़ मत करो बार-बार हेलो दोस्तों मैं सेल्फ अश्वनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर दोस्तों जैसा आपको पता है कि रीजनिंग का हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं डाइस तो आज हम आपके लिए एक जीके की सीरीज़ चालू कर रहे हैं इसमें हमने जीके के वहाँ से चालू कर रहे हैं जहाँ से हमारे आर एम सैनिक और आर में क्वेश्चन बनते हैं हम आज जी का वो वाला टॉपिक लेके आए हैं जो आज हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी होने वाला है तो सोचा कि ऑफलाइन क्लासेस और आपके लिए सूट भी कर लें दोनों काम साथ में हो जाए तो हम उस टॉपिक पर चलते हैं उस टॉपिक पर आए अपन, और तो जैसा आपको दिख रहा है पीछे कि मैंने टॉपिक लिया है जैनिज़्म यानी कि जैन धर्म ठीक है टॉपिक का नाम है जैन धर्म या फिर जैनिज्म अब दिख रहा है क्या दिख नहीं रहा शायद से ठीक है रेस पहले रेस कर दें इसको ठीक है एक मिनट कलर दिख नहीं रहा है हाँ जैन धर्म ठीक है जैन धर्म हाँ सही देख रहा है जैन धर्म से क्या है पहले तो ये जैन धर्म है क्या और जैन धर्म जानने से पहले हम जानेंगे कि जैन का मतलब क्या होता है आप लोगों ने आज तक सुना होगा कि कास्ट होती है जैन और जैन का जैन धर्म होता है यानी कि वो जैन का मतलब क्या होता है तो जैन का मतलब होता है विजयी होना यानी कि किसी चीज़ को जीतना जो जिसे जीत लेता है उसे बोलते हैं जैन आप क्या कहते हैं हमारे महावीर स्वामी थे जितने भी तीर्थंकर थे इन्होंने क्या किया ऐसा क्या जीता कि उन्होंने जैन धर्म की स्थापना कर दी या जैन धर्म के बारे में बता दिया तो क्या है हमारे इंसान के अंदर दस इंद्रियां होती हैं और जो इंसान इस दस की दस इंद्रियों पर विजय पा लेता है या जीत जाता है उसे बोलते हैं जितेंद्रिय ठीक है, है। थीके? जो इंसान इन दसों इंद्रियों पर विजय पा लेता है उसे बोलते हैं जितेंद्रिय है। और उसी को बोलते हैं हम क्या जैन धर्म यानी कि जो अपनी इंद्रियों को में कर ले अपनी इंद्रियों पर विजय पा ले उसका मतलब होता है जैन और उसी के बारे में पढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जैन धर्म को पढ़ना पड़ेगा कि किन किन लोगों ने उस पर विजय पाया तो आए उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो पहले सबसे पहले जो जैन धर्म के फाउंडर बोलें या फिर जैन धर्म के फर्स्ट इंसान बोलें या फर्स्ट भगवान बोलें जिन्होंने जैन धर्म की दसों इंद्रियों को जीता या उनके बारे में थोड़ा बताया तो वो थे ऋषभ वेव जैसे आपको दिख रहा होगा कि ऋषभ देव ही वाज द फर्स्ट तिरंतकरकर ऑफ जैनिज़्म ठीक है यानी कि ऋषभ वदेव ने जैन धर्म को स्टार्ट किया था यानी कि फर्स्ट तीर्थंकर जो थे हमारे वो ऋषभदेव थे और इन ऋषभदेव का एक और नाम है उसका नाम है वो नाम है आदिनाथ आदि नाथ या फिर हिंदी में लिखूँ तो आदि नाथ इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है ऋषभ देव को या ऋषभ देव को ठीक है ऋषभ देव को किसके नाम से जाना जाता है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद जो सेकंड तीर्थंकर थे हमारे दूसरे नंबर के जो तीर्थंकर थे वो थे अजितनाथ और जो तीसरे थे थर्ड तीर्थंकर हमारे वो थे हमारे शंभव ठीक है अब क्या हुआ कि हमने अपने जान लिया कि हमारे फाउंडर कौन थे तीरंत जैनिज्म के सेकंड हमारे तिरंतकर थे अजित नाथ और थर्ड तिरंतकर थे वाज संभव नाथ तो हमें ये जानकारी हमें हमारी जैनिज्म की किताबें हैं या जिसके बारे में हमने पढ़ा है उनमें हमें बताया गया है कि वी ऑल नो दैट देयर आर ट्वेंटी फोर इन जैनिज्म यानी कि हमें जैनिज्म के ट्वेंटी फोर तिरंतकर के बारे में बताया गया है ठीक है इसके बारे में बताया गया है ट्वेंटी फोर तिरंत के तीरंत कर के बारे में बताया गया है जिसमें से जो महावीर स्वामी थे महावीर वासदा एंड लास्ट कर ऑफ जैनिज्म जो महावीर स्वामी थे वो हमारे चौबीसवें और लास्ट सबसे लास्ट कर थे महावीर स्वामी कौन थे हमारे चौबीसवें और लास्ट तिरंतकर थे जैन धर्म के ठीक है हमने हम आम कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि इन महावीर स्वामी ने ऋषभदेव ने अजित नाथ ने शंभव नाथ ने इन्होंने क्या हुआ होगा अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया होगा या उन पर विजय पा ली होगी इसलिए इन्हें क्या बोला गया जैन धर्म के फाउंडर या तीरंत कर बोला गया आपने देखा होगा जो जैन होते हैं जैन लोग जो कहा वो बोलते हैं ना जय जिनेन्द्रा जय उसका मतलब यही है जैन का मतलब क्या है कि जय जनेन्द्र का मतलब कि वो किसी पर विजय पाने के ऐसा महावीर स्वामी ने बोला था अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इस पर तो यहां पर रुको हाँ एक मिनट रुकना इसको मिटालना पड़ेगा इसको मिटाल दिया हाँ अब आए तो हमारे जो हमने फर्स्ट कर अपने पढ़ लिए फाउंडर का पता लगा लिया लास्ट भी कौन से थे वो भी पता कर लिया और सेकंड और थर्ड अब इसमें जो हमारे तीरंत कर थे पार्श्वनाथ ये थे हमारे तेईसवें नंबर के तीरंत कर थे कौन से थे तेईस नंबर के तिरंतकर थे इन्होंने क्या किया ही वॉज द ट्वेंटी थर्ड तिरंतकर ऑफ जेनिज ये तेईसवें नंबर के क्या है तीर्थंकर थे और इनके फादर का नाम क्या था अश्वसेन था फादर का नाम अश्वसेन और वो अश्वसेन कहाँ के राजा थे काशी के काशी बनारस के ठीक है कई बुक में बनारस भी लिखा है या फिर अश्व ठीक है तो आप काशी भी देख लेना और बनारस भी देख लेना बनारस ठीक है इनके फादर कहाँ के राजा थे काशी के या फिर बनारस के इनकी मदर का नाम था वामा देवी और जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने ही रिनोज द वर्ल्ड एंड विकम एन एसेटिक वैन ही वॉज़ थर्टी ईयर ओल्ड जब वे तीस साल के हुए पार्श्वनाथ तो उन्होंने क्या है घर संसार मोह माया सब त्याग दी और वो क्या है सन्यासी का जीवन अपना लिया उन्होंने तीस साल की उम्र में उन्होंने क्या किया जैसे तीस साल के हुए तो उन्होंने घर वगैरह अपना सब त्याग कर दिया और एक सन्यासी का जीवन धारण कर लिया और अपनी योग तपस्या और ध्यान में लगाने लगे तो जब उन्होंने ये सब चीज़ें की तो उन्हें क्या एक ज्ञान की प्राप्ति ही अचीव्ड ज्ञान ऑन द सम्मि कर जब वो घर से निकले तो घर से निकलने के बाद क्या हुआ घर से निकले होंगे तो कहीं तपस्या करने के लिए जंगल वगैरह गए पहाड़ पर्वत यहीं पर लोग जाते हैं जो घर से जाते हैं ठीक है पहले के टाइम जो तपस्या करने के लिए ऋषि मुनि वगैरह जाते थे तो वो कहाँ पर जाते थे आपने देखा होगा जंगल में जाते थे या किसी पर्वत वगैरा बैठकर तपस्या करते थे तो ऐसे ही क्या है पार्श्वनाथ भी जी गए और उन्होंने क्या किया है? एक पर्वत था जिसका नाम था सम्मेद क्या था एक पर्वत था इसका नाम था सम्मेद उस समय शिखर पर जाकर उन्होंने तपस्या की वहीं पर इन्हें क्या हुआ ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पर उनको क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई पार्श्वनाथ जी को और यो यो जो ये सम्मेत जो पहाड़ है मतलब पर्वत है वो हमारा झारखंड में है झारखंड के गृह डिस्ट्रिक्ट्स में मधुबनी रीजन एक मधुबन रीजन है झारखंड के गृह डिस्ट्रिक्ट है हमारी वहाँ पर क्या है मधुबन रीजन में सम्मिश्र कर एक पर्वत है जो उस टाइम था आज पता नहीं क्या होगा अभी भी हो सकता है ऐसा है तो उस पर आकर उन्हें उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी जब यहाँ से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो क्या कहते हैं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने ज्या, जो ज्ञान प्राप्त किया उसको लोगों में बांटने के लिए या फिर उनसे आने के लिए जो लोग आने वाले थे जो उनसे आने वाले तीर्थंकर थे या फिर उनसे जो लोग जैन धर्म को अपनाने वाले थे या जैन धर्म की के भिक्षु भिच्चू भिक्षुणी बनने वाले थे या फिर उसके लिए प्रचार करने वाले तो उनको क्या बातें बताई तो उन्होंने चार सिद्धांत दिए उसके लिए पार्श्वनाथ ने क्या दिए चार सिद्धांत जैसे आप देख रहे हो ये दिया है पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने क्या है चार सिद्धांत दिए यानी कि डॉक्ट्राइंस कितने फोर फोर डॉक्ट्राइंस दिए उन्होंने बताया अगर कोई इंसान जैन धर्म के गुरु बनना चाहता है एक तरीके से बोला है गुरु या फिर महागुरु बनना चाहता है या जैन धर्म को अपनाना चाहता है या वो तीर्थ अंकर बनना चाहता है तो उसको क्या करना होगा एक तो इन चार बातों को क्या है हमेशा मानना होगा और इन्हीं पर चलना होगा कैसे एक तो अहिंसा कि डू नॉट कमिट वेंस हिंसा ना करे वो इंसान वो किसी भी प्रकार की हिंसा ना करे दूसरा सत्य हमेशा सत्य बोले डू नॉट स्पीक अल्लाह कभी भी झूठ ना बोले असत्य ठीक है असत्य डू नॉट स्टेल चोरी चकारी वगैरह ये सब ना करे छीना झपटी ना करे ये सब चीज़ें और अपरिग्रह डू नॉट एक्वर्स प्रॉपर्टी उसे अपनी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी से कोई लगाव ना हो मतलब ना हो ना वो किसी बात का धन इकट्ठा करे ना पैसा इकट्ठा करे ना जमीन जायद कुछ इकट्ठा ना करे इन चीज़ों पर चले तो वो क्या होगा तीर्थंकर बनेगा या वह जैन धर्म को अपना सकता है या जैन धर्म के रास्ते पर चल सकता है पर ये सब चीज़ें पार्श्वनाथ जी ने कृषभ वदेव जी ने इन सब चीज़ों ने अपनाई होंगी तो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं क्या इन चारों चीज़ों में से एक भी हम लोगों में है क्या बिल्कुल नहीं हर कोई इंसान बोले कि मैं इंसान नहीं करता हर कोई इंसान हिंसा इनसा कर रहा है आज तक ठीक है सत्य तो आज के टाइम में कल्युग कोई बोली नहीं जाके सत्य बोल रहा हो कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से झूठ तो बोल ही देता है ठीक है चोरी वगैरह हाँ हो सकता है कोई चोरी नहीं करता हो पर जयल और प्रॉपर्टी वगैरह तो सबको लालच है ही पैसा कमाने का प्रॉपर्टी वगैरह का तो ये चारों ही चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं आम लोगों के अंदर और ये सब चीज़ें किन के अंदर थी पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी थे और ऋषभ देव जी थे और जो ट्वेंटी फोर तीर्थंकर थे हमारे तीर्थंकर जो भी थे चौबीस हमारे उन सब के अंदर ये चीज़ें थी तो क्या है आज उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और हमें भी पढ़ना पड़ रहा है और हमारी आगे वाली पीढ़ी भी पढ़ेंगी अगर ये चारों चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम भी उनके बराबर पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हैं तो नहीं कह सकते पर एक लगाए आ नहीं सकता है ठीक है तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन एक और बताना भूल गया मैं जो नाइनटीन कर दे हमारे नाइनटीन नंबर के नाइनटीन नंबर के जो कर दे हमारे वो थे हमारे तीरंत कर मल्ली देवी मल्ली देवी भी बोला जाता है या फिर मल्लनाथ भी बोला जाता है मल्ल नाथ ठीक है मल्ल नाथ मल्ल नाथ भी बोला जाता, जाता है या मल्ली देवी भी बोला जाता है ठीक है इनको बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये एक अकेले फीमेल अकेली फीमेल तीर्थ अंकर थी पूरे 24 तीर्थ अंकर में से जो 24 तीर्थ अंकर हमें बताए गए हैं जैन धर्म में उसमें से जो अकेली जो महिला तीर्थ अंकर थी वो कौन थी हमारी मल्ली देवी थी हैं या मल्लनाथवे थे या मल्ली देवी जो हमारी एक अकेली फीमेल 24 में सारी 24 फोर जितने भी तीर्थंकर थे सारे मेल थे और जो अकेली नाइनटीन नंबर की थी ये तीर्थंकर और इनका नाम था मल्ली देवी जो है फीमेल थी ठीक है उसके बाद हम थोड़ा आगे चले ये देखो है हमारे पार्श्वनाथ जी आपको दिख रहे होंगे ये हमारे पार्श्वनाथ जी हैं श्वेत वस्त्र धारण करे हुए हैं और ये हमारे महावीर स्वामी ये हमारे कौन हैं कपड़े को कोई कपड़े धारण नहीं करे नग्न है तो अब तुम लोगों को समझ में आएगा थोड़ा आगे जब पढ़ोगे कि जो श्वेत वस्त्र धारण करें पार्श्वनाथ जी इनको कौन और ये कौन है और ये कौन है ये क्यों अलग अलग कपड़े पहने हैं वो पढ़ दो हैं दोनों जैन धर्म के ही दोनों ही जैन धर्म के हैं पर दोनों अलग अलग उसमें क्यों हैं तो उसके लिए थोड़ा आगे चलते हैं तब आप खुद पता लगा हुआ ठीक है थीके? हाँ हम महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ते हैं महावीर स्वामी जो थे इनका जन्म हुआ था 540 फोर्टी में इन कुंडग्राम वैशाली में ठीक है जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म हुआ था 540 वीसी चालीस में कुंडग्राम वैशाली में इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम क्या था सिद्धार्थ वो कहाँ के राजा थे द किंग ऑफ ज्ञात्रिका रिपब्लिक यानी कि वे ज्ञातक या ज्ञात्रिका या ज्ञातक गणराज्य के क्या थे राजा थे ज्ञातक या फिर ग्यातिका गणराज्य के क्या थे राजा थे कौन थे राजा महावीर स्वामी के फादर और इनकी माता 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 का नाम था त्रिशला जो प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी डायनेस्टी एंड हर वृदर वास किंग ऑफ चेतक चेतका ठीक है तो प्रिंसेस यानी जा जो लिच्छवी जाने चाहिए जो लिच्छवी वंश था उसकी राजकुमारी थी प्रावीर स्वामी की माँ और लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी जो उस टाइम क्या था जो राजा थे वहाँ के लिच्छवी डायनेस्टी के जो राजा थे उनकी बहन थी कौन थी बहन महावीर स्वामी की माँ चेतक की और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा दिख रहा है आपको हाँ इनकी पत्नी का नाम क्या था यशोदा था और इनके थोड़े और कुछ लिखा है इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनकी सिस्टर थी सिस्टर सिस्टर का नाम था सुदर्शना सुदर्शना सु दर्शना सुदर्शना ठीक है सुदर्शना इनकी सिस्टर का नाम था सुदर्शना और इनके भाई का नाम था ब्रदर का जो बड़े थे इनसे इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन नंदी, वर्दन। नंदी वर्धन ठीक है इनके भाई का नाम था नंदी वर्धन ये इनके सिस्टर का नाम था सुदर्शना और इनके भाई का नाम था नंदी वर्धन ठीक है आप लोगों ने लिख लिया लिख लिया तो और आप लोग क्या कहते हैं इसको पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके जब लिख लेना वीडियो वापस देख के कर लिख लेना तो हमने महावीर स्वामी के परिवार के बारे में जाना कि उनके बचपन का नाम क्या था वर्धमान था वर्थ उनकी पाँच सौ कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था फादर उनके सिद्धार्थ थे जो यात्रिका गणराज्य के क्या थे राजा थे मदर का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी डायनेस्टी की क्या थी राजकुमारी थी और पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी सिस्टर का नाम क्या था सुदर्शना था और ब्रदर का नाम क्या था नंदी वर्धन था अब महावीर स्वामी की जो डॉटर थी या पुत्री महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका नाम था अनोजा प्रियदर्शनी या अनोजा प्रियदर्शना कभी कभी ये दोनों नाम साथ में आ जाते हैं लिख कर के अनोजा प्रियदर्शनी पूरा नाम है या फिर अड़ोजा प्रियदर्शनी भी आ जाता है या और या फिर अलग अलग करके भी आ जाते हैं तो इनकी डॉटर दो नहीं थी एक ही डॉटर थी इसका नाम था अनोजा भी था और प्रियादर्शनी भी था ठीक है अलग अलग नाम थे पर साथ में कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में साथ में नाम आ जाते हैं उसके बाद क्या है इनके जो पुत्री की शादी हुई थी उनका नाम था जामिल या जमाली जामिल भी लिखा रहता है और जामिल भी जमाली भी लिखा रहता है तो इनके जो दमाद थे बोला या डायरेक्ट सन इन लॉ उनका नाम था जामाली या जामिल और यही इनके क्या थे पहले शिष्य थे फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा जो महावीर स्वामी के कौन थे पहले शिष्य कौन थे जामिल ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि उनके पहले शिष्य कौन थे क्या कहते हैं कि उनके पहले शिष्य थे जामिल उनके दमाद अब बात आती कि एट द एज ऑफ थर्टी ही वॉज अनाउंसड फैमिली एंड स्पेंड ट्वेल्व ईयर्स एज एन एथेटिक तो पार्श्वनाथ ने भी तीस साल पर आगे छोड़ा तो महावीर स्वामी ने भी क्या किया जब वो तीस साल के हुए चीज़ें समझे थोड़ी जानी बाहर का माहौल देखा और, और अच्छे से उन चीज़ों पर अध्ययन किया तो उन्होंने भी क्या किया तीस साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर सन्यासी का जीवन धारण कर लिया दो तो घर के घर को संसार सब मोह माया को त्याग कर उन्होंने क्या किया सन्यासी का जीवन धारण कर लिया और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन जो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन इनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी जब तीस साल के जब ये हुए थे उस टाइम इनके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन को राजा बनाकर कर वहाँ कर वहाँ का राजा बनाकर उनको राजा बना दिया और उनसे परमिशन लेकर वहाँ से घर को त्याग दिया था और सन्यासी बन गए थे और बारह साल में क्या बारह से ड्यूरिंग दीस बारह ईयर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेटिंग वो बारह साल उन्होंने क्या किया जाकर तपस्या की ठीक है अध्ययन किया ध्यान लगाया और उस बारह साल में ज़्यादातर समय उन्होंने किस पर मेडिटेशन यानी कि मेडिटिंग यानी कि योग साधना पर या फिर क्या कहते हैं ध्यान लगाने पर बिताया उसके बाद उन्हें क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा एक पॉइंट मिस हो गया है कि साल के वृक्ष के नीचे यहां पर लिख देता हूं मैं थोड़ा क्या हुआ जिस जगह पर वो ध्यान लगा रहे थे वो थी झम्बी ग्राम झुंबी ग्राम झुंबी ग्राम में या झम्बी ग्राम भी बोलते हैं झुंबी झम्बी ग्राम में त्रिजू पालिका नदी के तट पर त्रिजुपालिका रिवर थी त्रिजुपाल का रिवर के किनारे एक साल का वृक्ष था साल ट्री साल ट्री उसके नीचे इन्हें बैठकर क्या हुआ यहाँ पर तप, उस जगह पर बैठकर उन्होंने क्या तपस्या की वहीं पर उन्हें क्या हुआ ही अटेंड द ज्ञान या केवल या ओमनी साइंस यानी कि तीनों में से कोई भी बोल लो ज्ञान की प्राप्ति हो गई या केवल की प्राप्ति हो गई केवल का मतलब है ज्ञान तो मैं पता है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई केवल का मतलब भी वही होता है कि हमें संपूर्ण ज्ञान का अध्ययन हो गया संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई इन्होंने अपनी इंद्रियों पर क्या विजय पाली इन्होंने अपनी क्या करा इंद्रिय पर इंद्रियों पर क्या है विजय पाली और फिर जब विजय पाली और जब ये सब चीज़ें वो यहीं से जब वो यहाँ पर वो क्या महावीर स्वामी कहलाए जब क्या कहते हैं उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी पूरी और जब उन्हें केवल का प्राप्त हो गया था तो यहीं से उन्हें क्या है लोग महावीर स्वामी कहने लगे जब इतना नॉलेज और इतना ज्ञान लेने के बाद जब वो आगे बढ़े थोड़ा तो उन्होंने इसका प्रचार वगैरह किया लोगों में गए अपनी बातें बताई ठीक है तो उन्होंने क्या किया फाइव डॉक्ट्राइन्स यानी पांच सिद्धांत दिए क्या दिए पांच सिद्धांत दिए देखो पार्श्वनाथ जी ने कितने सिद्धांत दिए थे चार सिद्धांत दिए थे कौन कौन से जो सत्य अहिंसा अस्त्य और अप, अपरिग्रह इन्होंने इसमें एक और ऐड कर दिया वो क्या है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य क्यों कर दिया था क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली थी इंद्रियों पर विजय पाने का अपनी सारी इच्छा वगैरह सब मार दी थी कोई इच्छा नहीं थी इनकी तभी तो इतना बड़ा राजपाट छोड़कर सुख सुविधा छोड़कर वो जंगल वगैरह में तपस्या करने के लिए आए थे तो इन्होंने क्या करा ब्रह्मचर्य का और ऐड कर दिया इसमें अब उन्होंने बोल दिया कि अब जो भी लोग जैन धर्म में आएंगे या जैन धर्म के भिक्चु विक्चुड़ी होंगे या फिर क्या कहते हैं जैन धर्म को अपनाएंगे या जैन धर्म का प्रचार प्रवर्श करेंगे गुरु बनेंगे तो उन्हें पांच चीज़ों को क्या करना पड़ेगा अपनाना पड़ेगा ये पांच चीज़ों को अपनाकर ही वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं ठीक है जब आप यहाँ पर पांच सिद्धांत क्या कहते दिए महावीर स्वामी ने तो उसके बाद क्या हुआ इसको मिनट एक मिनट रुको हम्म पांच ज्ञान देने के बाद भी पांच सिद्धांत देने के बाद भी महावीर स्वामी ने थ्रिरत्न और दिए किसके तीर्थ अंकरों को जो आने वाले तीर्थ तीर्थ अंकर होंगे इनसे आने वाले जो गुरु होंगे उनको ज्ञान दिया तीन ज्ञान और दिए या तीन रत्न और दिए बोला जाता है कि तीर्थन और थ्री रत्न या थ्री ज्वेल्स और महावीरा कौन कौन से दिए कि सम्यक दर्शन एक तो यानी कि सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा इज द परफेक्ट फिलॉसफी ऑफ द ट्रू नॉलेज अगर हम कोई ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सबसे पहले हमें क्या है मन में श्रद्धा होना चाहिए कि हम उसको पढ़ने में यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान करने की क्या होना चाहिए? होनी चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए ठीक है दूसरा सम्यक ज्ञान कि नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड अन ट्रूथ इज राइट नॉलेज मतलब सही और गलत की पहचान करना आना चाहिए खुद से ही अपने आप से ही सत्य और असत्य की पहचान करना आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है क्या सत्य है और क्या असत्य है और तीसरा दिया था सम्यक आचरण या फिर सम्यक चरित्र उन्होंने इसमें कहा था कि प्रोविजन ऑफ हार्मफुल एक्शन एंड कंडक्ट ऑफ बेनिफिशियल एक्शन इज द राइट कैरेक्टर यहाँ में इसमें उन्होंने अपने चरित्र की लोगों के चरित्र की बात करी थी कि लोगों का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो सामने वाले इंसान या सामने वाले लोगों को क्या ना हो परेशानियाँ ना हो उनके प्रति उनका पॉजिटिव नेचर या पॉजिटिव व्यवहार रहो ठीक है अगर और महावीर स्वामी ने कहा था जो भी इंसान इन जो तीन रत्न दिए हैं इन पर चल लेता है या इनको फॉलो कर लेता है तो उसे केवल की प्राप्ति हो जाएगी यानी कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी अगर इन तीन चीज़ों पर चलता है तो महावीर स्वामी ने बोला था कि जो भी इंसान इन तीन चीज़ों पर चल लेता है किस पर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण और चरित्रों किस पर उसे केवल की प्राप्ति हो जाएगी ठीक है इसको रेज करें महावीर स्वामी ने और भी क्या कहते हैं दर्शन दिखाए थे कि शयाद वादा फिलॉसफी वादा फिलॉसफी वाज द इंट्रोड्यूस बाय महावीरा महावीर स्वामी ने क्या है सियादवाद फिलोसफी के बारे में भी बताया था इंट्रोड्यूस कराया था अब जो सियादवाद फिलॉसफी क्या है तो महावीर स्वामी ने बोला था कि जब भी कोई चीज क्या होता है एक समय पर कोई चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है अगर कोई एक समय है तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ हो भी सकती है कि कोई भी चीज़ हो ऐसा अपन को नहीं होना एक कथन बोला था महावीर स्वामी ने सम्यक दर्शन का मतलब वो सिया फिलोसफी का मतलब था ये कि किसी भी समय कोई भी चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ठीक है एक मिनट रुको जे आ गया और इस फिलॉसफी को दो नामों से और जाना जाता है अनेकांतवाद का फिलॉसफी और सप्तभागिन्य फिलॉसफी ठीक है ये दो नाम और हैं सियादवाद फिलॉसफी के जो दो नामों से जाना जाता है जो महावीर स्वामी ने इंट्रोड्यूस दी थी और एट द एज ऑफ 72 टू ईयर्स फोर सिक्सटी महावीर अटेंड निर्वाणा निर्वाण या निर्वाणा इन द एरिया नोन एज पावापुरी क्या हुआ पावापुरी में महावीर स्वामी को बहत्तर साल की एज में क्या हुआ उनकी डेथ हो गई और उसमें डेथ को उस टाइम क्या बोला गया था निर्वाण बोला गया था जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण बोला या निर्वाण की प्राप्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी महावीर स्वामी को बहत्तर साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी पावापुरी में और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी उसके बाद अब क्या है उसके बाद जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो महावीर स्वामी की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ जो जैन धर्म था उसके और तीर्थ अंकर आए होंगे या उसके और गुरु आए जो चो छोटे वाले भिक्षण भिछुणु आए थे जैन धर्म में जो प्रचार प्रमर्श करने वाले थे वो भिक्षु और भिक्षुणी बोला करता था उन्हें जैसे हम हमारे यहाँ गुरु होते हैं ऐसे उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी बोला जाता है भिक्षु और भिक्षुणी ऐसा मैं लिख के बता देता हूँ भिक्षु और भिक्षुणी ठीक है एक मिनटों को लिख के बता रहा हूं भिक्षुणी जो आदमी होते थे जैन धर्म के जो इन चीजों पर चलते थे या प्रचार करते थे हमारे जैन धर्म को उनको बोला जाता था, था भिक्षु और जो महिला होती थी उन्हें बोला जाता था भिक्षुणी ठीक है उसके बाद क्या हुआ तो जैन धर्म दो भागों में बांटा जैन धर्म दो भागों में बांटा एक बांटा दिगम्बरा और एक बांटा श्वेताम्बरा तो जो दिगम्बरा थे जो दिगंबर जैन धर्म के लोग थे या दिगंबर जो भिक्षु थे वो क्या करते थे या विच्छू विच्छुड़ी जो दिगंबर होते थे कि दू हु कीप डैम्स नेक्ड एंड लीडर ऑफ दिस सेक्ट वाज भाद्र भाहू मतलब जो दिगंबर थे वो क्या है कपड़े धारण नहीं करते थे नेक्ड रहते थे और उनके जो लीडर थे उस टाइम जब ये बटा था दिगंबर और स्वतांबर में तो उस टाइम जो दिगंबर के लीडर थे भिक्षु थे जो बड़े वाले भिक्षु वो थे कौन भद्र बाहु और जो सेतांबर के जो हेड थे यानी प्रेसिडेंट थे उस टाइम वो थे स्तूल भा या स्तूल भद्र भी कई कई बार लिखा रहता है तो दूज हु पुट ऑन वाइट ड्रेस एंड द लीडर ऑफ दिस सेक्ट वाज स्तूल भाहू यानी जो श्वेत वर्षा धारण करते थे सफेद कपड़े पहनते थे वो कौन थे श्वेताबर जो नंगने रहते थे नेक्ड रहते थे वो होते थे दिगंबर अब आप मुझे बताइए मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी महावीर स्वामी की और क्या कहते हैं पार्श्वनाथ जी की मैं फिर से दिखाता हूँ अब आप बताओ महावीर स्वामी कौन थे और पार्श्वनाथ जी कौन थे बताओ तो अब आप बता सकते हो जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं हमारे पार्श्वनाथ जी वो <coughs> थे क्या श्वेतांबर स्वेतंबर स्वेतंबर थे और जो हमारे महावीर स्वामी थे वो कौन थे दिगंबर थे क्योंकि वो वस्त्र धारण नहीं करे नग्न है ठीक है अब समझ में आ गया एक हाँ तो हमारा क्या है जो हमने कर लिया कि हमारे जैन धर्म दो भागों में बांट गया बट गया था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद और जब यानी निर्वाण के बाद और दिगंबर और श्वेताबर दिगंबर कौन होते हैं हमने जान लिया और स्वेतंबर कौन होते हैं उसके बाद क्या हुआ कि दिगंबर और श्वेतंबर जब अलग अलग हुए तो दोनों ने अपनी बातें अलग अलग इकट्ठा करके लिखी दिगंबर ने अपनी बातें अपनी दिग दिग। बुक्स में लिखी लिटरेचर में लिखी और श्वेतंबर में अपनी में तो जो दिगंबर वगैरह ने उन्होंने लिखी तो अपनी अपनी अलग अलग बुकें लिखी अलग अलग लैंग्वेज में लिखी तो एग्जिस्ट मैली इन मगध मगध नहीं हाँ मगधी प्राकृत, संस्कृत मराठी तमिल राजस्थानी धुंदरी मारवाड़ी हिंदी गुजराती कनाडा और मलयालम इन सब लैंग्वेजों में क्या करा इन्होंने अपनी अपनी लिटरेचर लिखी बुकें लिखी और क्या हुआ जो हमारे महावीर स्वामी थे जब उन्होंने क्या करा थे अपना जो पहला उपदेश दिया था या फिर महावीर स्वामी ने जब ज्ञान अर्जित करने के वा, बाद पहली बार जो हमारा उसने उन्होंने भाषण दिया था वो उन्होंने किसमें दिया था प्राकृत भाषा अर्धमाती में जैसे तो जैन लिटरेचर इज कॉल्ड द आगम यानी जैन लिटरेचर को क्या है आगम के भी नाम से भी जाना जाता है अगम भी कहा जाता है एंड द लैंग्वेज ऑफ और इस अगम को क्या है लिटरेचर ऑफ प्राकृत प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है ठीक है क्या लिटरेचर ऑफ प्राकृत यानी कि प्राकृत भाषा में अगम को या जैन लिटरेचर को लिखा गया है या इसमें पहली बार लिखा गया था प्राकृत भाषा में अब हमारी जैन धर्म जब दो भागों में बटा तो जो दो भागों में जहां से जैन धर्म बटा था वो सबसे पहले यहीं से बटा था पहली मीटिंग में जो पहली मीटिंग हुई थी फर्स्ट काउंसिल हुई थी जैन धर्म की या जैन गुरुओं की जितने भी जैन गुरु थे उस टाइम जितने भी जैन भिक्षु भिक्षुणी थे उन सब इकट्ठे हुए थे तो वो फर्स्ट काउंसिल से क्या हुआ था इसी से क्या है वहाँ से अलग हुए थे स्वेतंबर और दिगंबर आपको पहले बताने का मतलब ये था कि आप बस जान चाहो कि स्वेतंबर कौन होते हैं दिगंबर कौन थे और क्या कहते हैं जो जो यहाँ डिवाइड हुए थे वो यहीं से हुए थे तो तीन सौ बीसवी में फर्स्ट काउंसिल हुई हमारी जैन धर्म की और कहाँ पर हुई थी जगह थी पाटलिपुत्र उस टाइम पाटलिपुत्र मगध पर किसका राज्य था चंद्रगुप्त तो मौर्य क्या ठीक है उस टाइम जो राजा थे उस एरिया में उस टाइम उनके जो राजा का नाम था चंद्रगुप्त तो मौर्य था और इसके जो चेयरमैन थे वो स्तुल भाऊ थे और यहाँ पर इस मीटिंग में अलग होने के बाद क्या हुआ बारह अंग क्या जैन गए वो एडिट करके यानी कि उनको एडिट करके बारह चीज़ों पर विचार करें बारह अंगों को लिया और जैन लिटरेसी में ऐड कर दिया जोड़ कर जोड़ दिया इन द फर्स्ट देखो इसमें लिखा भी है इन द फर्स्ट जैन सवा जैन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दिगंबरा और श्वेतम्बरा यहाँ से डिवाइड होने के बाद जब पहली मीटिंग हुई यहाँ से डिवाइड हुए यहाँ से डिवाइड होने के बाद क्या हुआ जो हमारे श्वेतंबर लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण कर रहे थे वो नॉर्थ इंडिया में चले गए थे क्योंकि उस टाइम जब मगध था मगध ही एक सबसे बड़ा साम्राज्य था मगध पर काफ़ी अकाल पड़ा था तो उस टाइम क्या जो जैन धर्म के जो कहते थे श्वेत वर्ष धारण करने वाले श्वेतंबर थे वो नॉर्थ इंडिया में चले गए और जो दिगंबर थे वो साउथ इंडिया में रह गए ठीक है तो उसके बाद फर्स्ट मीटिंग के बाद क्या हुआ सेकंड मीटिंग आई हमारी जैन धर्म की सेकंड मीटिंग हमारी जैन धर्म की आई वो सेकंड मीटिंग कब हुई हमारी सेकंड मीटिंग हुई हमारी 512 सौ एडी में और प्लेस जगह थी वल्लवी गुजरात में और इसके जो चेयरमैन थे वो थे देवर्षि शमशर्मन शमाशर्म क्षमाशर्म ठीक है और इनके जो दूसरे थे मतलब वो थे देवरी धमानी ठीक है कई बार ये भी आ जाता है और कभी ये भी आ जाता है देवरी धमानी और यहाँ पर क्या हुआ था इस लास्ट मीटिंग में सेकंड, सॉरी हाँ इस लास्ट मीटिंग में क्या हुआ था जैन धर्म फाइनली पूरी तरह से कंपाइल हो चुका था इकट्ठा हो गया था एक ग्रंथ बन गया था तो क्या कहते हैं जैन धर्म के हमारे कुछ जितना हमारे एग्जाम में आना था उतना हमने पढ़ लिया है एक मिनट रुको हाँ जैन धर्म में हमने क्या था हमने जितना हमारे एग्जाम के हिसाब से हमारे आरएमएस और सैनिक और आरआईएमसी तीनों के हिसाब से जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं अगली जो क्लासेस आई वो हमारी बौद्ध धर्म की आएगी उसके बाद माँ ऐसे हिस्ट्री हमारी चलती रहेगी और क्या कहते हैं हिस्ट्री चलने के बाद क्या होगा जैन धर्म में कई भी और भी ऐसी चीज़ें हैं कि महावीर स्वामी को कई और फैक्ट है थोड़े बहुत जो मैं बताना चाहूँगा महावीर स्वामी को क्या कहते हैं निकटनाथ पुत्र भी कहा जाता था ठीक है और अगर बात करें तो जैन धर्म की एक मतलब पहली महिला भिक्षुणी थी उनका नाम चंपा था छेलना भी कहते हैं उन्हें ठीक है और क्या कहते हैं कई ऐसे फैक्ट हैं महावीर स्वामी क्या कहते हैं आत्मा में विश्वास रखते थे ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे ग्रंथों में विश्वास नहीं रखते थे महावीर स्वामी पुनर्जन्म में न... विश्वास रखते थे ऐसे कई ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं थे तो वो लिए नहीं गए हैं अब क्या कहते हैं हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं तो जब तक आप पढ़ते रहिए हंसते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है तब तक के लिए बाय बाय